मध्य प्रदेश में आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। मंगलवार से ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बुधवार रात से तेज बारिश और गर्जन का दौर जारी है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून वेस्ट मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में सक्रिय हो चुका है। हालांकि निवाड़ी, छतरपुर, ग्वालियर और दमोह में अभी भी तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार विदिशा, उदयगिरी, राजगढ़, शाजापुर, निवाड़ी, ओरछा, हरदा, भोपाल, बैरागढ़, सीहोर, रायसेन, भीमबेटका, देवास, उज्जैन, मंदसौर और गुना में बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं अशोकनगर, इंदौर, आगर, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, सांची, नीमच, गांधी सागर अभयारण्य, झाबुआ, रतलाम, ढोलावाड़, अलीराजपुर, मुरैना, श्योपुर कलां, शिवपुरी, कुनो, दतिया, रतनगढ़, दक्षिण ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, खरगोन और महेश्वर में बिजली के साथ हल्की आंधी जारी रहेगी। इसी के साथ खंडवा, ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, महाकालेश्वर, धार, मांडू, कटनी, उत्तरी सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, मध्य बालाघाट, दमोह, पश्चिम उमरिया, जबलपुर, भेड़ाघाट और पन्ना में सुबह के समय बारिश जारी रहेगी। अब जानते हैं प्रदेश के तापमान का हाल। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश और आंधी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन निवाड़ी, छतरपुर, ग्वालियर और दमोह में अभी भी तापमान 40 डिग्री के पार है। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। मॉनसून की इस बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में राहत दी है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी तापमान उच्च स्तर पर बना हुआ है। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।